मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर उनकी पैतृक स्थली बटेश्वर में आयोजित समारोह में पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज अटल जी को पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आगरा से गोवर्धन जाने को हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया, पर्यटन व कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री की यादों पर सांस्कृतिक संकुल केंद्र का लोकार्पण, अटल की प्रतिमा का अनावरण एवं 148 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। सभा स्थल पर पंडाल में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एवं जनता की भीड़ मौजूद रही। भारत माता के महान सपूत, भारत रत्न सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर सरदार अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं अटल जी भारत की राजनीति के आजाद शत्रु थे। भारत को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने, देश के अंदर राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान उन्होंने रखा था, और यही कारण है कि आज पिछले 9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुरक्षा और सुशासन के जो नए प्रतिमान स्थापित किए, इसकी आधारशिला सरदार अटल जी ने अपने शासन काल में रख दी थी। आज का दिवस सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी और सरकारें भी आयोजित कर रही हैं, सदैव अटल जी का स्मरण कर रही हैं, और जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए सदैव अटल जी ने अपना जीवन जिया था, उन मूल्यों और उन आदर्शों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके कार्य करने का संकल्प भी ले रही है। सदैव अटल जी का यह वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत भी है। हम सब जानते हैं कि 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सदैव अटल जी का जन्म हुआ था, लेकिन ये उन्होंने अपनी कर्म भूमि के रूप में तो उत्तर प्रदेश को चुना ही, साथ साथ शिक्षा भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में अर्जित की, और उत्तर प्रदेश से उनका लगाव आगरा जनपद के बटेश्वर, उनकी पैतृक भूमि के रूप में जानी जाती है। इन एक वर्ष के अंदर सरदार अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने, उनके जीवन के हर एक उस पक्ष को जिसने समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा दी है, सार्वजनिक जीवन में शुचिता और पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए, इसके लिए प्रशासन की दक्षता को बढ़ाने के लिए जहां सरकार नई दिशा में प्रयास करेगी, वहीं साथ ही साथ साहित्यिक क्षेत्र में अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए भी सरकार अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय और अन्य अकादमिक संस्थाओं तक इन कार्यक्रमों को, उनकी साहित्यिक रुचि, पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को स्मरण करने का एक अवसर, पुण्य अवसर हम सबके सामने होगा। आज के इस अवसर पर, सुशासन दिवस के अवसर पर सदैव अटल जी को एक बार फिर से उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के बटेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की
जयंती में शामिल हुए। आपको बता दें कि बटेश्वर धाम के अंदर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर करोड़ों रुपए की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। यहां पर तमाम तरह के जो है विकास कार्य कराए जाने हैं। इसी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके पदचिन्हों पर चलने की कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। अपने साथी अरबाज के साथ शेष की डीजी महाराजा न्यूज आगरा।